सिंधे किचन में आपका स्वागत है। आज मुश्किल से बनने वाली रेसिपी जो आपको कठिन लगती है, आज उसे मैं सरल तरीके से आपको बहुत ही आसान तरीके से बनाना सिखाऊंगी, जिसका नाम है छोले भटूरे। आज छोले भटूरे में आपको बहुत सिंपल तरीके से बहुत जल्दी से आप बना सकें घर पे खुद ही। बाजार जैसे छोले भटूरे, रेस्टोरेंट जैसे छोले भटूरे आपके होंगे। आज देखिए जिन चीज़ों की मुझे आवश्यकता पड़ेगी मैं आपको बताती हूँ किस चीज़ की हमें सबसे पहले आवश्यकता है। सबसे पहले हमें छोले बनाने के लिए छोले की आवश्यकता पड़ेगी। ये छोले मैंने रात में भिगो करके सुबह उबाल लिए हैं। ये 200 ग्राम छोले हैं। आप इसे 2 बड़े कप पानी में डाल करके चौथाई चम्मच खाना सोडे के साथ उबालिए। उबलने के बाद आपके छोले इस प्रकार से मुलायम हो जाएंगे। 2 सीटी से ज़्यादा आप बिल्कुल भी नहीं लगाएं। अब देखिए छोले बनाने के लिए जिस चीज़ की और भी आवश्यकता है वो मैं आपको बताती हूँ। कढ़ाई मैंने गर्म करने रख दी है। यहाँ देखिए हम 1 बड़ा चमचा तेल डालेंगे। ये करीब मैंने 1 बड़ा चमचा इसमें रिफाइंड ऑयल का प्रयोग किया है। आप जिस ऑयल को चाहें उसको डाल सकते हैं। अब इसे हम अच्छे से गर्म होने देंगे। देखिए गर्म हो गया। अब हम तेल को चेक कर लेते हैं। देखिए तेल हमारा गर्म हो गया है। अब इसमें हम दूसरी चीज़ क्या डालनी है हमें, ये हम 1/2 चम्मच करीब बड़ी जीरा डाल देते हैं। इसे भी ये 3 से 4 हम पत्ते तेज पत्ता डाल देते हैं। यहाँ ये देखिए दालचीनी के 4 टुकड़े हैं, इन्हें भी हम डाल देते हैं। और ये 2 खड़ी लाल मिर्च है। यहाँ हमने 2 से 4 लौंग का भी प्रयोग किया है, ये देख सकते हैं आप। अभी हम अपने मसालों के साथ तेल के साथ अच्छे से मसाले भून लेते हैं। आपको थोड़ा धीमा कर लेंगे। यहाँ हमारे पास लहसुन की 4 से 5 कलियाँ हैं, इन्हें भी हम इसके अंदर डाल देते हैं। अभी जब अच्छे से भून चुके हैं हम इसमें क्या करेंगे, हमने ये 2 मीडियम साइज के प्याज लिए थे, इसका हमने पेस्ट तैयार किया है। अब इसे हम अपने गर्म तेल में मसालों के साथ अच्छे से भूनेंगे। देखिए इस प्रकार से हमें अपने प्याज को अच्छे से भूनना मसालों का। जब प्याज का हमारा कलर चेंज हो जाएगा तब हम इसमें टमाटर का जो पेस्ट हमने तैयार किया है उसे भी इसमें मिला करके एक बार फिर से भूनेंगे। अभी सबसे पहले हम अपने प्याज को अच्छे से भून लेते हैं। अब हम अपनी गैस को थोड़ा सा मीडियम आप पे कर देते हैं। तब तक मैं आपको भटूरे का आटा बनाना सिखाती हूँ। तुम्हारे प्याज भून लेंगे। ये देखिए मैंने 200 ग्राम मैदा यहाँ लिया है। इस मैदा को मैंने 1 बड़े बर्तन में डाल दिया है। इसके लिए हमें आवश्यकता 1 कप पानी की पड़ेगी। ये देखिए इसमें आपको ना तो दही डालना है ना ही इसमें आपको खाने सोडे की आवश्यकता है। अब ये देखिए आपको किस तरह से भटूरे का आटा तैयार होता है मैं आपको बताती हूँ। ये देखिए 1/2 चम्मच मैंने करीब छोटा तेल डाल के फैन ऑन डाला है और इसे हम अच्छे से घी को आटे में मिक्स कर देंगे। ये देखिए हमारा घी इसमें अच्छे से मिक्स हो गया है। अब हमें जितने पानी की आवश्यकता पड़ेगी हम उतने ही में पानी धीमे धीमे करके ऐड करेंगे। ये देखिए क्योंकि मैदा में वैसे भी कम पानी की आवश्यकता पड़ती है, इसे ज़्यादा आपको टाइट नहीं मारना है ना ज़्यादा ही पतला करना है। ये देखिए हमारा भटूरे का आटा पूरी तरह से तैयार हो चुका है। ये देखिए मैं आपको दिखाती हूँ। ये देखिए ना ही ये ज़्यादा पतला है ना ही ये ज़्यादा गाढ़ा है, ये बिल्कुल जैसे आप लोग आटे की रोटियाँ बनाने के लिए आटा करते हैं उसे थोड़ा सा हल्का सा रखना है, आपको हल्का पतला रखना है। बहुत पतला कर देंगे तो आपके भटूरे अच्छे नहीं आएंगे। बहुत ज़्यादा टाइट करने पर आपके भटूरे बिल्कुल टाइट हो जाएंगे। इसलिए इसे सबसे बड़ी बात यही है कि आपका डो जो होना चाहिए वो बहुत अच्छा होना चाहिए। ये देखिए हमारा आटा जो हमने मैदे 200 ग्राम मान के रखा है इसको हमें 15 मिनट के लिए गीले कपड़े से इस प्रकार आप गीला कपड़ा कर लीजिए और उसे ढक के रख दीजिए जिससे आपका आटा और भी अच्छे तरीके से तैयार हो जाए। 15 मिनट के लिए कम से कम रखना। इसमें मैंने ना किसी प्रकार का खाना सोडा इस्तेमाल किया है ना ही दही का प्रयोग किया है ना ही किसी केमिकल का। अब हमारी प्याज यहाँ भुनकर तैयार हो गई है। जब तक हमारा आटा रेडी होता है
ये देखिए दो मीडियम साइज के टमाटर का पेस्ट है, मैं इसमें डाल करके इसे तैयार करती हूँ। साथ ही हम ये आधा चम्मच हल्दी पाउडर है बड़ी, इसमें ऐड कर देते हैं। ये काली मिर्च का पाउडर है, इसे चौथाई चम्मच के करीब हम डालेंगे। और ये लाल मिर्च का पाउडर जो आप देख रहे हैं ये आधा चम्मच है, आप अपनी आवश्यकता अनुसार डालिए। यहाँ मैंने इसे साथ में डाल दिया। अब हम इन्हें अच्छे से एक बार फिर से भून लेते हैं। ये देखिए ये खास चीज, इसके लिए खास चीज़ है ये आंवला। आंवले को मैंने दो घंटे पहले ही भिगो कर रखा है, इसके पानी के साथ ही हम इसमें भी इसको मिला देंगे। इससे आपके छोले का टेस्ट और भी अच्छा हो जाएगा। अब इन्हें हम 5 मिनट के लिए अच्छे से पकने देंगे। ये देखिए हमारा मसाला भूनकर तैयार होने लगा है, इसमें तेल देखिए ऊपर आने लगा, इसका मतलब क्या, हमारा मसाला अच्छे से पक गया है। जब तक आपके मसाले कच्चे रहेंगे तब तक तेल ऊपर नहीं आएगा। और मसाला पकने के साथ साथ ही इसमें अच्छे से खुशबू जोड़ती है, आप समझ सकते हैं कि आपके मसाले पक गए हैं। यहाँ ये देखिए ये ताज़ा दही है, इसे मैं 2 चम्मच इसमें मिक्स कर दी। ये 2 चम्मच दही हमने करीब इसमें डाल दिया, इसे भी हम अच्छे से चलाएँगे। इससे आपके छोलों का टेस्ट जो है बहुत ही लाजवाब हो जाएगा। एक बार प्लीज़ इसे ट्राई जरूर कीजिए। जो मैं रेसिपी बना रही हूँ उसे आप घर पे बना सकते, जरूर देखिएगा। दिखाते हैं कि हमने अब जो मसाले तैयार हो गए, तो हम इसमें 1 चम्मच धनिया पाउडर का भी इस्तेमाल करेंगे। इसे भी करीब 1 मिनट के लिए पका लेते हैं, जिससे इसका फ्लेवर इसमें अच्छे से आ जाएगा। साथ ही हमने जो काट कर एक बारीक छोटा टमाटर रखा है बारीक बारीक, उसे भी हम इसमें मिला देंगे, क्योंकि मसाले हमारे पहले ही रेडी हो चुके हैं। और ये जो 200 ग्राम हमने छोले लिए थे, अब हमने इसे मसालों के साथ मिला देंगे। इसका पानी आप बिल्कुल भी बंद करिए, पानी से अपने छोले वाले जो हमने उसे इसमें ऐड करना है। ये देखिए हम यहाँ पे अपने छोले उसी पानी में इसमें हमने वाले से इसे साथ में डाल दिया। अब सबसे बड़ी है एक खास बात जो नमक है। ये देखिए मैं यहाँ पे 1 चम्मच नमक ऐड कर रही हूँ अपने छोलों में। आप जितना भी नमक खाते हैं उतना ही इसमें ऐड कीजिए। अब इसमें हम 1/2 कप पानी ऐड कर देते हैं, जिससे हमारे मसाले और छोले अच्छे से पक जाएं। आप जितना पतला गाढ़ा रखना चाहें अपने छोलों को उतना पानी इसको ऐड कीजिए। यहाँ मैं भटूरों के हिसाब से ही पानी ऐड किया मैंने। अब इसे हम 5 मिनट के लिए ढक करके पकाएंगे। ये हम ढक देते हैं और अपनी गैस को हम मीडियम कर देते हैं। ये देखिए हमारे छोले बनकर तैयार हो गए हैं। अब हम ऊपर से इसमें बारीक कटा हुआ हरा धनिया डाल देते हैं। हमने बारीक कटा हुआ इसमें धनिया डाल दिया और ये गैस पे मैंने कढ़ाई घी गर्म करने के लिए रख दिया, जिसमें हम भटूरे तलेंगे। और हमारी सब्जी बनकर रेडी होगी, तो हम इसमें ऊपर से नींबू का रस डाल देते हैं। और जब आप किसी को सर्व करें तो अच्छे से मिक्स करके दीजिए। यहाँ 1/4 चम्मच ये देखिए गर्म मसाला, इसे भी हम इसमें डाल देंगे और इसे पुनः वापस ढक देंगे। ये देखिए भटूरे का ढोक इतना अच्छा बना है। अब इसके हम छोटी बड़ी लेंगे, जैसे आप चाहें ऐसे कर लीजिए। हम यहाँ पे लोइयां अपने तैयार कर लेते हैं। ये देखिए मैं मीडियम साइज की लोइयां तैयार कर रही हूँ। अब हम अपना घी भी चेक कर लेते हैं गर्म हुआ कि नहीं।
अभी हमारा घी गर्म होने में थोड़ा टाइम लगेगा। हम देखिए अपने भटूरों को थोड़े से मैदा की सहायता से बेल लेते हैं, क्योंकि हर किसी को हाथ से बनाना नहीं आता है, इसलिए आप इसे बेलन की सहायता से बनाइए। लंबा गोल जैसा भटूरा आप चाहें वैसे आप कर दीजिए, क्योंकि हमारे यहाँ तेल गर्म हो चुका है। जितना आप इसे पतला बना चाहें उतना तैयार कीजिए, उतनी ज़्यादा इसकी पूरी बेल लीजिए पतली। अब हमने भटूरा बेल लिया, अब इसको हम देखिए तेल में डाल देते हैं इस प्रकार से। ये देखिए हमारा भटूरा पूरी तरह से अच्छे से फूल जाएगा। ये देखिए भटूरा हमारा अच्छे से फूल गया है, अब इसे हम पलट देंगे। ये देखिए हमारा भटूरा कितना अच्छा बनकर तैयार हुआ है। ना ही इसमें हमने खाना सोडा का प्रयोग किया था, न दही का, न किसी केमिकल का। ये हमारा भटूरा आपके लिए तैयार हो चुका है। ये देखिए भटूरे कितने अच्छे तैयार हुए हैं। अभी आप लोग देख रहे हैं तेल में धुआं निकलने लगा है, उसके बाद हम इसमें भटूरा डालते हैं। ठीक है, भटूरा बनाने से पहले आपको ये देखना पड़ेगा कि हम उसकी जो लोइयां हैं पहले से बना के रख लेते हैं। इस तरीके से लोई 10-15 मिनट पहले बना के रख लीजिए आप लोग, और कुछ छोटी लोई भी है वो बना लीजिए, इससे बहुत छोटे बच्चे उनके लिए बहुत अच्छा भटूरा बनता है, ये आपको बाद में दिखाएंगे। और सबसे बड़ी चीज़ इसमें ये है, लोई अगर आपकी तैयार होगी सूखी लोई, इस भटूरे की खासियत ये है, जिस तरह आप भटूरे खाते हो दुकानों पर तो वहाँ तेल भरा हुआ था भटूरे पर, इस भटूरे में कोई भी तेल नहीं होगा, कोई भी ऑयल नहीं होगा, ना अंदर होगा ना उसकी भटूरे बाहर होगा। आपको बेलना सिखाता हूँ, देखिए पहले थोड़ा सा अपने बेलन चलाइए, बिल्कुल सिंपल, हाथ से भी कर सकते हैं, लेकिन आप घर पर नहीं कर पाओगे इसलिए मैं बता रहा हूँ ऐसे। अभी हाथ से करना भी सिखा दूँगा, ऐसा भी करना सिखा दूँगा। इतना बेलने के बाद थोड़ा फिर मैदा ले जाइए, ऐसा कीजिए, धीमे धीमे आराम बेलते रहिए, गैस धीमी कर दी, धुआं निकल रहा है इसलिए, जब धुआं निकलेगा तेल में तभी भटूरा डालिए। उससे पहले आप भटूरा डालेंगे तो आपको प्रॉपर भटूरा नहीं होगा, और भटूरे में कोई भी ऑयल नहीं होगा। भटूरा ज़्यादा बड़ा नहीं बेलिए, छोटा बेलेंगे तब भी भटूरा बहुत बड़ा आएगा आपका। और इस भटूरे में कोई ऑयल नहीं है, कोई दही नहीं, कुछ भी नहीं है, इसलिए बेलते रहा भी ध्यान रखिए, पूरा गोलाई होनी चाहिए आपकी बढ़िया। देखिए कितना अच्छा भटूरा हो गया है, गोल गोल हाथ से बनाने के लिए इतना छोटा हो गया। आप चाहो तो ऐसे करके बड़ा भी कर सकते हैं, लेकिन बड़ा नहीं करना है ज़्यादा, ज़्यादा बड़ा करोगे तो प्रॉब्लम होती है। अब ये उसमें तेल में धुआं निकल रहा है, ये दिखा दिया था आपने, ये पूरे तेल गर्म हो गया है। भटूरा इस तरह से डालेंगे, थोड़ा घुमा के इस तरह से देखिए, कि आप अंदर दबाते रहिए, कुछ नहीं करना, अंदर दबाते रहिए केवल, जैसे ये फूल के ऊपर नहीं आ रहा है, फूलने लगा, देखिए पूरा फूल गया। ऐसे तेल इसके ऊपर डालिए, इसे पलट दीजिए, देखिए कितना खराब हो गया, ज़्यादा तेल गर्म हो गया। ये कितने अच्छे छोले भटूरे बने, देखिए इसमें बिल्कुल भी ऑयल नहीं आया हुआ है। इस प्रकार से आपको थोड़े हल्के खड़े सीखने हैं। प्लीज़ यदि आपको मेरा ये वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन का बटन दबाइए, अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें।